गर्मा गर्म मसालेदार आलू का पराठा किसे पसंद नहीं होता है, सबको पसंद होता है, लेकिन हम जब आलू का पराठा बनाते हैं तो कई बार ये होता है कि वो फटने लग जाता है। आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी उसको फॉलो करने के बाद आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके का फूला हुआ पराठा बनाने के लिए आपको सबसे पहले आलू लेना है। आलू आप अपनी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स के लिए आपको पराठे बनाने हैं उतने आलू आप ले सकते हो। अब आपको करना क्या है, आलू को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको कुकर लेना है, कुकर में आपको आलू डालने हैं और आलू को इतना कवर करना है पानी से ताकि वो अच्छे से डूबे ना। अब आपको कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा देना है और लगाने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। करीब 3 से 4 सीटी आने तक आपको आलू को उबालना है। अब आपको जब तक आलू उबल रहे जब तक हम आटा लगा लेते हैं। आपको गेहूं का आटा लेना है। अब आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप आटा कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें नमक डालना है मोइन के लिए। आप तेल डालना चाहो तो तेल डाल सकते हो और घी डालना चाहो तो घी डाल सकते हो। आपको पानी गुनगुना लेना है और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि आप एक साथ में ही पानी डाल दोगे तो आटा गीला हो जाएगा और पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। पराठे फिर आपसे आपको बेलने में भी प्रॉब्लम आएगी। और इस तरीके से फिर आटे को है ना अच्छे से चिकना कर लेना है, अच्छे से गूंदना है। आटा अच्छा गूंदेगा ना तभी पराठे है ना अच्छे फूले फूले बनेंगे। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा घी डालना है। घी डालने के बाद अच्छे से आटे को चिकना कर लेना है। अब आटे को आपको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है, जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ प्याज लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं और आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने हरी मिर्च ली है 2, उनको अच्छे से बारीक कट करना है। बारीक कट करना है नहीं तो वो पराठे में जो स्टफिंग होगी ना पराठे में से निकल निकल के आपका पराठा फट जाएगा, इसलिए आपको एकदम सारी चीज़ें बारीक ही कट करनी है। हरा धनिया लेना है, लहसुन और अदरक का पेस्ट लेना है। मैंने लहसुन करीब 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली है और हल्का सा अदरक का टुकड़ा लिया है। अब आपके आलू अच्छे से उबल के रेडी हो गए हैं। आलू को ठंडा होने के बाद ही छीले, और ठंडे आलू ही पराठों में यूज होते हैं। अगर आपने गर्म आलू यूज किए पराठों में तो श्योर है वो पराठे तो फटेंगे ही, तो आप प्लीज़ ठंडे आलू ही यूज करें। और उसके बाद आलू मैशर से आप आलू को मैश कर ले। मैं यहाँ पे ग्रेटर बॉक्स से आलू को अच्छे से मैश कर रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ उनको। इस तरीके से सारे आलू को अच्छे से मैश करना है। आलू को बहुत अच्छी तरह से मैश करना, क्योंकि अगर आलू में आलू का छोटा बड़ा टुकड़ा रह गया तो वो आपकी स्टफिंग आटे से बाहर निकल जाएगी और फिर आपके पराठे अच्छे बनने वाले नहीं है, वो फट जाएंगे। अब मैं यहाँ पे मसाला आलू में मसाला डाल रही हूँ, तो वो लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी और भुना हुआ जीरा, काला नमक। आप आपके अकॉर्डिंग भी और कुछ भी डालना चाहो, जैसे गरम मसाला। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो इसमें। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमारा आटा भी अच्छे से रेडी हो गया है। अब आपको एक मीडियम लोई तोड़नी है और लोई तोड़ने के बाद उसको अच्छे से बेलना है। मैंने यहाँ पे घी यूज किया है बेलने के लिए। अगर आप आटा लेना चाहो तो आप आटा भी ले सकते हो। उसको अच्छे से बेलना है। इसमें अब जो हमने आलू की जो स्टफिंग रेडी की थी ना वो डालनी है। आपको अच्छे से इसकी प्लीट्स बनाकर अच्छे से इसको चपटा कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको बेलने के लिए आटे का यूज करूँगी और इस तरीके से पहले आपको हाथों से ही इसको बेलना है। इस तरीके से आपको बेलन का यूज करना है, बट आपको एकदम हल्के हाथों से ही उसका यूज करना है। उस पर ज़्यादा अगर आपने प्रेशर किया तो फिर आपका पराठा फट जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।